प्रकाश किरण कांच की सिल्ली से जाते हुए अपवर्तित होते हैं। ये हमने एक वीडियो में पहले देखा है। यहाँ पर कांच और हवा के बीच एक सीमा रेखा है। हमने कांच की आयताकृति सिल्ली ली है, इसलिए ये दो आमने सामने वाली सीमा रेखा समांतर होती है। इसलिए जब प्रकाश किरण हवा से कांच के माध्यम से प्रवेश करते हुए अभिलंब की ओर विचलित होती है, कांच की सिल्ली से निकलते समय अभिलंब की विपरीत ओर विचलित होती है। हमें ध्यान में आएगा कि ये दोनों विचलन समान है। समझ लो, हमने कांच की ऐसी सिल्ली ली जिसमें दोनों बाजुएं समांतर नहीं है, बल्कि वो एक दूसरे को भेदती है। अब क्या होगा? हमें समझ में आएगा कि इसका सबसे आसान उदाहरण होगा कांच का प्रिज्म या प्रिज्म। इस त्रिकोणीय प्रिज्म की 5 सतह है, 3 आयत और 2 त्रिकोणाकृति है। अगर प्रकाश किरण इसकी एक सतह से प्रवेश करके दूसरी सतह से बाहर जाते हैं तो ये दो जो सतह हैं वे एक दूसरे को भेदती है। न्यूटन ने ये प्रयोग पहली बार किया और ये दुनिया का सबसे प्रसिद्ध और मूलभूत प्रयोगों में से एक माना जाता है। यहाँ पर एक अलग बात न्यूटन के ध्यान में आई। जब प्रकाश किरण हवा से कांच के प्रिज्म में प्रवेश करते हैं तो वो अभिलंब की ओर विचलित होते नजर आते हैं। बाद में जब वो कांच से हवा की दूसरी सतह से निकलते हैं तब वो अभिलंब से विपरीत ओर विचलित होती है। न्यूटन ने सूरज की सफेद किरण प्रिज्म से जाने की व्यवस्था की थी। अचरज की बात यह है कि जब ऐसे प्रकाश किरण कांच की प्रिज्म से बाहर निकलते हैं तब वो सफेद नहीं रहते, उसके अंदर अनेक रंग हमें दिखाई देते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि प्रकाश मूलतः अनेक रंगों से बना हुआ है। हर रंग के लिए अपवर्तन से होने वाला विचलन अलग है। यहां पर हमें लाल रंग से लेकर जामुनी रंग तक अनेक रंग नजर आते हैं। लाल, नारंगी, पीला, हरा, आसमानी, नीला, बैंगनी, ये 7 रंग हमें नजर आते हैं। इसका मतलब जो सफेद सूर्य प्रकाश हमें दिखता है वो अनेक रंगों से बना होता है। जब ये प्रकाश किरण इस प्रिज्म की सतह से जाते हैं तो बाहर निकलते हुए अनेक रंगों से व्यक्त होता है। इसे प्रकाश का विक्षेपण या डिस्पर्शन कहते हैं।